हेलो फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित एक नया अपडेट निकल के आ रहा है और इस तरह के अपडेट हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। ये जो अपडेट निकल के आ रहा है यूनियन बजट 2020 मिनिमम पेंशन लिमिट अंडर ईपीएस एक्सपेक्टेड टू राइज बाई आरएस 5000 पर मंथ, चेक डिटेल्स हेयर। यानी कि केंद्रीय बजट 2020 ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन सीमा 5000 रुपए प्रति माह बढ़ने की उम्मीद है। मैं आपको इस अपडेट के बारे में, इस न्यूज के बारे में पूरी डिटेल से बता देता हूं। बाकी इस न्यूज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके आप अच्छी तरह से इस न्यूज को पढ़ सकते हैं। द मिनिमम पेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंप्लॉइज लाइकली टू राइज अंडर द न्यू एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। यानी कि ईपीएस इन द अपकमिंग बजट 2020 ए हाइक इन पेंशन इन द डिमांड ऑफ द यूनियन फॉर क्विट ए लॉन्ग टाइम इट इज लाइकली टू बी एड्रेस्ड बाई यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द बजट सेट टू बी अनविल्ड ऑन फरवरी 1st। सी में राइज द मिनिमम पेंशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड टू आर एस 1000 टू 6000 पर मंथ। द गवर्नमेंट हैज अबाउट आर एस 3 लाख करोड़ ऑफ पेंशन फंड। यानी कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन आगामी बजट 2020 में नई कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के तहत बढ़ने की संभावना है। पेंशन में बढ़ोतरी संघ की मांग लंबे समय से है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को अनावरण किए जाने वाले बजट में इसे संबोधित किया जा सकता है। वह न्यूनतम पेंशन मौजूदा 1000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए प्रति माह कर सकती है। यूनियन से दैट वाइल द गवर्नमेंट हैज मेड मोर पेंशन अवेलेबल टू अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉइज एवरी बिजनेस पर्सन, देयर इज नो पॉइंट इन ऑफरिंग लेस पेंशन टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉइज। Apart from increasing the pension limit, the old provision of commutation of advance partition withdrawal of EPS could be restored in the budget. Under commutation, employees has the right to collect certain amount of pension along with provident fund PF during retirement. However, it reduces monthly pension by 1/3 for 15 year. यानी कि यूनियनों का कहना कि जहां सरकार ने असंगठित कर्मचारी यहां तक कि व्यवसायिक को भी अधिक पेंशन उपलब्ध कराई है, वहीं संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कम पेंशन देने का कोई मतलब नहीं है। पेंशन सीमा बढ़ाने के अलावा ईपीएस में कम्प्यूटेशन या अग्रिम आर्थिक निकासी के पुराने प्रावधान को बहाल किया जा सकता है। कम्प्यूटेशन के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के दौरान भविष्य निधि यानी कि पीएफ के साथ पेंशन की कुछ राशि एकत्रित करने का अधिकार है। हालांकि यह 15 साल के लिए मासिक पेंशन को 1/3 कम कर देता है। द सिस्टम वॉज डिसकंटिन्यू इन 2019 बट इन द लास्ट फ्यू डेज ईपीएफओ हैज आस्क्ड टू गवर्नमेंट टू रिस्टोर इट। द मूव इज लाइकली टू बेनिफिट अराउंड 6.5 लाख एम्प्लॉयज। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर रिसोर्सेज टू इंक्रीज द इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज आर ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। ऑल ऑफ देम विल रेज द इनकम टैक्स एक्सपेक्टेशन लिमिट बट वी विल नॉट डिस्कस इन इट, रेदर वी विल लुक एट स्टेप्स रेदर टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एग्जाम्पल ईएसआई। आपको बता दें कि जो है कंप्यूटेशन का जो सिस्टम था 2009 में बंद कर दिया गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ईपीएफओ ने सरकार से इसे बहाल करने के लिए कहा है। इस कदम से लगभग 6.5 लाख कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की आय बढ़ाने के अन्य उपाय भी कार्ड पर है। ये सभी आयकर छूट की सीमा बढ़ाएंगे, लेकिन हम यहाँ इसकी चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ और स्वास्थ्य बीमा यानी ईएसआई के संबंधित कदम को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक अपडेट निकल के आ रहा था यूनियन बजट 2020, यानी कि आपको बता दें कि फरवरी में जो है आम बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा, और जो पेंशन है अभी 1000 रुपए से जो है 6000 रुपए तक बढ़ा सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2000 करते हैं, 3000 करते हैं, या फिर 5000 बढ़ाते हैं, या फिर 6000। बाकी जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी जो मांग है वो है 7500 प्लस डीए यानी कि महंगाई भत्ता। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आपके हिसाब से पेंशन कितनी बढ़ सकती है, 2000 बढ़ सकती है, 3000, 5000 या फिर 7500 रुपए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी जो भी कोई आगे अपडेट आएगा इस तरह का, हम कोशिश करेंगे सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।